है कि नहीं बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग पहाड़ी में। तो गाइज, आज है नया साल, है ना, 2023 का पहला दिन है आज। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, सभी हैप्पी एंड हेल्दी रहे, मैं यही प्रे करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि आज मेरे को बाइक की डिलीवरी लेने जाना है, तो अभी मैं निकल रहा हूँ शोरूम और वहाँ से बाइक लेते हैं और आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सी बाइक ली है। तो आपको भी लग रहा होगा कि यार कौन सी बाइक ले रहा है, सस्पेंस बन गया होगा। तो चलते हैं गाइज, आप चलिए मेरे साथ। सो गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ शुभम को लेके और मेरे मम्मी पापा भी जा रहे हैं, वो देखो सामने बाइक से, वो हमें शोरूम में मिल जाएंगे। और एक मिनट बाइक में कपड़ा मार लूँ। तो ये हमारी बाइक प्लैटिना, इसने बहुत साथ दे दिया हमारा, लगभग 3 साल, मतलब वैसे तो 14 साल हो गए इस बाइक को, लेकिन मैंने अपने मामा से 3 साल पहले ली थी। तो अभी तक मैं इसी में सब चीज़ कर रहा था, अपने छोटे मोटे काम, ऑफिस भी इसी से चला जाता था मैं पहले। तो गाइस, इस बाइक से वैसे कई सारी यादें जुड़ी हुई थी और जो मैंने बाइक चलानी सीखी थी वो मैंने स्टार्टिंग इसी बाइक से करी थी। और यहाँ से अब ये मयूर विहार स्टार्ट हो चुका है, मयूर विहार फेस पर। बाइक को अंदर ही अंदर लेके जाऊंगा और कसम से, मतलब बाइक की पता नहीं बाइक की एक्साइटमेंट थी क्या थी, लेकिन रात को 3:30 बजे सोया। वैसे तो मैं सोता ही इतनी लेट हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस की टाइमिंग भी यही है, लेकिन सुबह में 7:30 बजे उठ गया जबकि मैं 11:11 बजे उठता हूँ। तो गाइस, अभी मैंने अपने सेटअप में माइक का एडजस्टमेंट नहीं करा क्योंकि माइक के लिए ना मेरा जो लेवलियर माइक है बोया का, उसकी जो वायर है वो काफ़ी लंबी है और वो हेलमेट में मेरे फिटिंग का नहीं है उसके। बाकी जो अदर हेलमेट्स आते हैं ब्लॉगिंग वगैरह के पर्पज़ के लिए, उसमें ना उसकी पैडिंग उतर जाती है अंदर की और वायर अंदर फिट हो जाती है, लेकिन मेरे पास जो हेलमेट है उसके उसमें ये वायर फिट करने का नहीं है, इसलिए मैंने भी फ़िलहाल तो उसका वो सिस्टम करा नहीं है, करूँगा अभी बाद में। लेकिन एक बात है भाई कि इस प्लैटिना को 14 साल हो चुके, लेकिन इसका पिकअप आज भी इतना बढ़िया है, मेरी स्प्लेंडर से बढ़िया है इसका पिकअप, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो अभी ये मदर डेयरी आ चुका है और मदर डेयरी पर हम थोड़ा वेट करेंगे अपने, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं पीछे से बाइक में, तो उनको पता नहीं है कि कौन से वाले शोरूम में जाना है। तो वैसे तो एक शोरूम ये भी है सामने, जो मेरे सामने आपको दिख रहा है ये रहा हीरो का, लेकिन हमने यहाँ से नहीं लिया, हमें थोड़ा दूसरे वाले शोरूम में थोड़ा ज़्यादा अच्छा ऑफर मिल गया था। तो अभी हम यही वेट करते हैं पहले और फिर हम चलेंगे आगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और अभी हम पहुँच चुके हैं हीरो के शोरूम, यहाँ से हमने बाइक ली है। हेलो भाई, हाँ भाई। तो ये है देखो हिमगिरी हीरो शोरूम, ये पड़ता है वेस्ट गुरु अंगद नगर में, जहाँ से कि मैंने बाइक परचेज करी है और भाई ने बहुत सही डिस्काउंट पे लगाया है, कई सारे 3-4 तरह के डिस्काउंट मेरे को मिल गए हैं। मतलब आप भी यहाँ से हीरो की कोई भी बाइक खरीदनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो गाइस, अभी मैं अपने मम्मी पापा के साथ पहुँच चुका हूँ हीरो के शोरूम और अभी चलते हैं, पहले डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, भाई हमारी बाइक रेडी कर रहे हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस अभी हमारे बाइक की मुंह दिखाई मैं कराने जा रहा हूं। तो 3, 2, 1, तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को, और यहाँ पे भी जितने भी है सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये हमारी नई हीरो एक्सपल्स 200 cc। टाटा गुड बाय गया। सो गाइस, फाइनली अभी मेरी हीरो एक्सपल्स अभी ये मेरी हो चुकी है शोरूम से निकल के अभी मेरी हो चुकी है। देखो किस तरीका स्पीडोमीटर टाइप का कुछ लोग भी दे रखा है यार। अब भाई मेरे हाथ में सीधा प्लैटिना, वो जिसकी हालत इतनी ख़राब हो रही थी, तो उसके बाद सीधा मेरे हाथ में भाई हीरो एक्सपल्स आ जाए तो भाई अब लगा लो इंसान के अंदर क्या मन में लड्डू फूटते हैं। और भाई जिन्होंने भी नई, जो भी नई बाइक लेते होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे से कि क्या फीलिंग होती है नई बाइक की, है कि नहीं है। और बाकी नंबर वगैरह सब 3 दिन बाद मिल जाएगा मुझे।
एंड हियर वी गो। वाह मौज कट रही है। तेरे को पीछे बैठ के कैसा हो रहा है, सही सा लग रहा है? अभी तो गड्ढे में लेके चलूंगा, बताइए गड्ढे। अभी तो खैर गड्ढे आए नहीं है ना, गड्ढे आएंगे तो पता। इसकी स्पीड कहाँ दिखा रहा है यार, है वे? इसकी स्पीड कहाँ दिखा रहा है? अच्छा ये है 2-3-4 लिखा हुआ है। तो यार मेरे को वैसे बाइकों के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें जैसे मेरे को फ़ोनों के बारे में पता है, गैजेट्स के बारे में, बट बाइकों के बारे में मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। टॉर्क वगैरह नाम से जानता हूँ, लेकिन क्या काम है वो सब इतना नॉलेज है नहीं, तो शायद अब हो जाए। मौज आ रही है बाबा। और इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस इतना ऊपर है, और इस बाइक में बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे SUV में बैठा हूँ किसी। बाकी सारी बाइकों वाले काफ़ी नीचे नीचे से हैं, और हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कभी ये देखिए इस वाले कट्टे पे लूँगा। पता लगा कुछ आ जाएगा इसका चेंज होता। कट्टे तो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं नीचे से, पता भी नहीं चल रहा। यहाँ पे रास्तों में खड्डे नहीं, खड्डों में रास्ते। इसमें डाल दो 2.5 लीटर। यार इसकी एक ही बत्ती उठी है 2.5 लीटर में, बता यार। और जबकि थोड़ा बहुत उन्होंने डाल के दिया भी था ऑलरेडी। अभी आए हम 34 ब्लॉक के साईं मंदिर पे, हम पूजा करवा लेते हैं पहले बाइक की। नहीं मैं दूसरी बाइक में जाएंगे, पापा आ रहे हैं ना मेरे। अभी बुआ भी आ गई हमारी, और ये भी बुआ ही हमारी मरोड़ा गाँव की बुआ। तो अभी आ रखे हैं गाड़ी देखने के लिए, पूजा करवाने के लिए। धन्यवाद आप पूछो। हाँ धन्यवाद, आपको भी नया साल मुबारक हो। सभी भाई बहनों को प्यार भरा नया साल की शुभकामनाएं, सबको नया साल मुबारक। बाइक लेने वाले को भी मुबारक। धन्यवाद भाई, नमस्ते। गाड़ी भी मुबारक। धन्यवाद धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। सो गाइस अभी पूजा करा ली है, साईं मंदिर है हमारे 34 ब्लॉक में यही सही, और अभी चल रहे हैं इसे घर पे लेके अपने। तो अभी रिएक्शन देखते हैं लोगों का। एक तो बाइक ही थोड़ी अलग सी लगती है, मतलब अट्रैक्टिव सी लगती है मेरे को तो। हाँ आ जा तारी। है कि नहीं है बातचीत? तो वाह ये है कुछ बाइक के नज़ारे। लिया आया था घर भिजवा दिया था।
तो गली के लिए स्पेस, यहाँ पे गली में स्पेस भी चाहिए इस बाइक के लिए, क्योंकि गाड़ी काफ़ी हैवी और काफ़ी बड़ी है। बना ली, वहीं से बनाता हुआ आ रहा था मैं। बढ़िया है ना एकदम। तो गाइस फाइनली मेरी न्यू बाइक हीरो एक्सपल्स आ चुकी है और मैंने घर के आगे उसे पार्क कर दी अभी, है ना। तो आज का व्लॉग गाइस यहीं तक था, आगे भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स लाता रहूँगा। और मेरे फ्यूचर प्लान्स ये है अपनी बाइक के साथ कि जो भी अब मेरी उत्तराखंड ट्रिप्स होंगी मैं बाइक से ही जाया करूँगा। मतलब आज तक कभी मैंने बाइक चलाई नहीं है उत्तराखंड में, लेकिन पहली पहली बार तो मैं शायद थोड़ा छोटा ट्रिप मारूँ ऋषिकेश हरिद्वार तक, फिर वापस लेके आऊँगा, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अपना डर खोलूँगा ताकि मैं उत्तराखंड में, मतलब एक हो जाए ना जब दिल में एक बार हो जाएगी कि हाँ भाई मैं चला लूँगा पहाड़ों में, तब उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद हिमाचल और फिर और अदर बहुत सारी जगह हैं, वैसे तो यार बहुत सारे प्लान करे हुए मैंने, लेकिन आगे देखते हैं वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं, आगे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता हूँ उसे, है ना। और तो गाइज होप कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो यूट्यूब चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसे बिना सब्सक्राइब करें मत छोड़ें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइज मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड।